छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। मतदान के बाद सभी 90 सीटों के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब लोगों को इंतजार है तो सिर्फ नतीजों का, लेकिन नतीजों से पहले ही भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। जहां एक ओर कांग्रेस 75 पार का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी 55 से 60 सीट जीतकर सरकार बनाने का दावा करती आ रही है। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी, कौन होगा छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री, ये तो 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। लेकिन इससे पहले हमारे ज्योतिष अपने ज्ञान के जरिए ये बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की सियासत की ऊंट किस करवट बैठेगी। तो चलिए जानते हैं कि क्या कहते हैं ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता कीर्ति भूषण। एक बात आप बताएं, अब की बार एक और चुनाव के समय आपने भी सुना होगा बड़ा आदमी, सीधे शाह साहब आए थे और 2-3 लोगों को बड़ा आदमी बनाने की बात कर गए। एक तो पहले से हैं डॉक्टर रमन सिंह जी, जिनको प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा ऑलरेडी मानकर चलती है। पूरे इलेक्शन में कांग्रेस ने उनके खिलाफ बहुत सारी बातें की। दूसरे ओपी चौधरी साहब हैं, तीसरे विष्णुदेव साय साहब हैं। इन तीनों में से बड़ा आदमी, बड़ा आदमी मतलब अगर सत्ता आ जाती है, परिवर्तन हो जाता है, जैसा आप सब लोग संकेत देख रहे हैं और बता रहे हैं, तो फिर आप मुझे बताएं इनमें से बड़ा आदमी वाला सुख किसे मिलेगा, मतलब सत्ता के सबसे करीब शीर्ष पर कौन? रमन सिंह जी बड़ा आदमी नहीं रहेंगे। चलिए, आप बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात बोल रहे हैं आप। विष्णुदेव साय सिंह जी भी नहीं रहेंगे। तो मतलब आपने तीसरे नाम की तरफ इशारा किया? तीसरा नाम हो सकता है, उसके अलावा यदि बीजेपी सत्ता में आ रही है तो मोदी जी चौथा आदमी का भी चयन, जो कि अभी कहीं पिक्चर में दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसको यहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। जी, बता रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए, आपने बड़ी स्पष्टता से कहा, यहाँ मेरे ख्याल से बड़े आदमी पर बहुत सारे लोग। तीसरा में तो वही जिसका ओपी चौधरी को जो बोले हैं, वो तो है, उसके अलावा भी एक ऐसा कोई गुप्त नाम है, सुदृढ़ व्यक्ति है, ऐसा कुछ है जिसको मोदी जी यहाँ पर चुनाव जीतने के बाद ला सकते हैं, क्योंकि तो वो अभी प्रदेश में मौजूद है कि वो भी बाहर से ही कोई सितारा है यही का। अच्छा, लेकिन अभी पिक्चर में नहीं है वो। तो पंडित जी, अगर आप बताना चाहें तो बता दें खुल के कुछ। जी पंडित जी, आप हाथ उठा रहे थे, कुछ अन्य चीज इसमें जोड़ना चाहते हैं? मैं एक बात और कहना चाह रहा था। जी कह दें कि जैसा कि अभी त्रिपाठी जी ने और चौबे जी ने कहा, स्पष्ट रूप से जो है आने वाला चुनाव में केंद्र की बड़ी भूमिका रहेगी, और उसके जो राजयोग जो चल रहे हैं केंद्र में बैठे हुए लोगों के, वो राजयोग यहाँ भी प्रभावित करेंगे छत्तीसगढ़ के चुनाव में, और निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन होगा, सत्ता के साथ साथ समीकरण भी परिवर्तन होंगे, और समीकरण कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बहुत ही तेजी से बदलेंगे, और जो राजस्थान में दिख रहा है वही चीज छत्तीसगढ़ में भी होगा, मध्य प्रदेश में तो हो चुका है, राजस्थान में भी ऐसी गड़बड़ी होने वाली। मतलब आपका इशारा साफ साफ ये है कि परिवर्तन होने के बाद में सिंहदेव जी की तरफ आपको लगता है कि चीजें आ सकती है? 6 महीने का टाइम भी नहीं लगेगा, तुरंत भी हो सकता है।